गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ होममेड केक। ये कुछ सिंपल तरीके से, अगर आपके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ पार्ले जी का एक पैकेट हो, तो आप आराम से इजी तरीके से केक को बना के रेडी कर सकते हैं। बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स केक बनाने के लिए 25 रुपये का बिस्किट लिया, जिसमें 4 पार्ट होते हैं। मैंने 3 पार्ट का ही यूज करना है, 1 पार्ट में नहीं यूज करूंगी। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में केक बड़ा बनाना है तो आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक इनो का पैकेट लिया हुआ है खमीर के लिए। और यहाँ पे मैंने बिस्किट को पहले निकाल लेना है, और निकालने के बाद इसको बहुत अच्छे से तोड़ लेना है। और केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, कांच के ढक्कन वाला, जिससे मुझे केक बराबर से दिखे। और बार बार केक को हम चेक नहीं कर सकते, इसलिए हमने बाहर से देखने के लिए इस तरह का ढक्कन लगाया हुआ है। और मैंने एक छोटा सा केक ट्री लिया है, जिसमें मैंने बटर पेपर का यूज किया है, क्योंकि ये जो मैं इस तरीके का डिजाइन है केक पे छप जाता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बटर पेपर लगा सकते हैं, अगर डिजाइन पसंद है तो आप इसे रहने दें। और मैंने एक स्टैंड लिया हुआ है, जिसपे इसको रख के इस तरीके से हम इसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए आइए केक को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 पैकेट बिस्किट लिया हुआ है, और इसको हम पहले खोल के निकाल लेंगे। तो मैंने सारे बिस्किट को निकाल लिया है, अभी इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे हाथों से। यह मैंने बिस्किट को तोड़ लिया है, मैंने लिया है मिक्सी का सेकेंड वाला बाउल, जिसके अंदर हम सारे बिस्किट को डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इस छोटे गिलास से पहले हम 1 गिलास जितना इसमें दूध डालेंगे, और इसे हम मिक्सी में बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए कितना फाइन सा पेस्ट मैंने बना के तैयार कर लिया है बिस्किट और मिल्क का। तभी इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, और इसे रेस्ट पे हम 15 मिनट रखेंगे। इसको रेस्ट पे इसलिए रखेंगे ताकि जो बिस्किट और मिल्क है आपस में अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, एक मैंने जो पैन लिया है केक के लिए, उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अगर आप चाहे तो रेती का भी यूज कर सकते हैं। बिना ओवन का केक बनाना बहुत इजी है, आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कि बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट है। और अभी मैंने नमक 6 से 7 चम्मच के करीब ही डाला, इतना इनफ है। हमने इसे हीटर पे रख दिया है, और अभी हम इसे 16 पर सेट कर देते हैं नमक को हीट करने के लिए। इसमें हम स्टैंड को भी रखेंगे, और इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए, और फटाफट से इसे हम केक को सेट कर सकें। यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है, इसे हम अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे। आप चाहे तो ऑयल से भी कर सकते हैं। और करने के बाद जो मैंने ट्रे लिया है, इसके अंदर इस पेपर को हम सेट कर देंगे। आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ट्रे में ही डायरेक्ट ऑयल लगा के और केक को सेट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमारा बैटर है जो मैंने बनाया था, तो यहाँ आप देखिए अच्छे से ये सेट हो चुका है पूरी तरह से। अभी बनाने से 2 मिनट पहले हम इसमें इनो यूज करेंगे। आप चाहे तो कुकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं, पर इनो बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, इसलिए हम इनो का यूज कर रहे हैं। लेमन फ्लेवर वाला इनो है, और उसे इसके बाद फर्स्ट मोमेंट में इसे चलाएंगे। आप इसे पूरी अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप सही से मिक्स नहीं कर पा रहे हो हैंड से, तो आप इसे मिक्सी बाउल में वापस से डाल के इनो डाल के बहुत अच्छे से फेंट लो। तो फाइनली हमने इसे मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। अभी इसे हम क्या करेंगे, केक ट्रे के अंदर इसे हम सेट करेंगे।
तो अपने केक ट्री के हिसाब से हमने इसे पेस्ट को बनाया हुआ था। अगर आप बड़ा ट्रे यूज करते हैं तो बिस्किट की क्वांटिटी बढ़ा दें थोड़े से। टूटी फूटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए थोड़े से बादाम के कतरन को हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट भी आप यूज कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स केक को बनाने। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टैंड भी गर्म हो चुका है। तो इसे हमने जब तक हीट किया है तब तक हमने इसे इंडेक्स पे रखा हुआ है। अब इसे हम गैस पे ले जा रहे हैं क्योंकि गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है हमें, और इसका थोड़ा सा जो फ्लेम है वो हार्ड है, इसलिए हमारा केक सही नहीं बनेगा। तो यहाँ हमने इसे गैस पे ट्रांसफर कर लिया है। अभी ये देखिए गर्म हो चुका है। अभी इसके अंदर हम केक को रख देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले, और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इसे हम 35 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। बीच बीच में हमें चेक भी नहीं करना है, इसीलिए मैंने इस तरह का कांच का ढक्कन लिया है जिसे हम बाहर से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा केक का कितना हुआ है और कितना भी नहीं हुआ है। तो आइए 35 मिनट बाद मिलते हैं आपसे, तब तक हम बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे, आपको एंड में दिखाते हैं। फ्रेंड्स क्या हुआ था ना, जो केक है वो हमारा फूल रहा था तो इसमें टच हो रहा था कांच वाले ढक्कन में, तो मैंने वो बड़ा सा बाउल से इसे कवर कर दिया था। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा केक है अच्छे से लग रहा है, पक चुका है, आप खुद भी देख सकते हो। और इसे अगर चेक करना है तो आप एक नाइफ लीजिए या स्टिक लीजिए, देख लीजिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है नाइफ में। अभी हमने गैस को बंद कर दीजिए। पूरे 35 मिनट्स मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा है। अभी केक हमारा बन चुका है, अभी इसे हम निकाल के और ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब केक ठंडा हो चुका है, हम आपको दिखा देते हैं। ये आउटर जो इसका पार्ट है अच्छे से छोड़ दिया है, बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। अब इसे हम इस प्लेट में देखिए पलट लेंगे, और जो हमने बटर पेपर यूज किया था उसे हम आसानी से निकाल देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो कोई नहीं, आप इसमें भी यूज कर सकते हो। तो यह आप देख सकते हैं बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट केक बना हुआ है और बहुत स्पंची बना हुआ है। इसे हम चाकू से कट करके भी आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, हमने इसे काटा है और केक कैसे इस तरीके से बना हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।